ही प्यारा सा नजारा है। ये दो लड़का लाइटर लेके खड़ा है, मेरे उस्ताद भाई सिकल टाइप के पास। चंगुर नारायण की टेम्पल भी है यहाँ पे, ये विलेज है ये पूरा। मैं यहाँ जाता हूँ भाई, मुझे लिफ्ट मिल गया बाइक में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज 21 अक्टूबर 2022 है, 10 बज चुका है, मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ नगरकोट, जो कि बहुत ही प्यारा नेचुरल सा प्लेस है। आज मेरा काठमांडू में 6 दिन चल रहा है, जो कि अपना होटल में निकलूंगा मैं, सीधा आपको मिलूंगा नगरकोट में। ये मेरा आज का आउटफिट है। चलिए गाइस, मिलता हूँ सीधा। गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ नगरकोट में। मैं फाइनली नगरकोट पहुँच चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है, जो कि मैं निकला हूँ 10:30 बजे, यानी 3 घंटा मेरे को 3 घंटा टाइम लग गया आते हुए बस में। अगर आप काठमांडू से नगरकोट आते हो, बनियाचड़ में मेरा होटल है, और बनियाचड़ से आपको आना पड़ेगा रिंग रोड में, जो गंगापुर रिंग रोड है मेरा। गंगापुर रिंग रोड से कटुशियर आना पड़ेगा, कटुशियर में आपका बस फिर चेंज करना पड़ेगा आके। कटुशियर से बस पकड़ना पड़ेगा आपको कमल बियानी में बस चेंज करना पड़ेगा। कमल बियानी से बस मिलेगा आपको नगरकोट के लिए, जो कि नगरकोट से कमल बियानी का डिस्टेंस करीब 11-12 किलोमीटर, जिसका किराया लेता है 70-75 रुपया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा किराया ले रहा है, क्योंकि ये आपका बहुत ऊपर है। मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ पहाड़ के ऊपर, सबसे ऊपर, जो राउंड अप करके लेके आता है। अगर आप नगरकोट आते हो तो नगरकोट में आपको होटल मिल जाएगा रहने के लिए, खाने के लिए होटल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। और नगरकोट से लास्ट जो बस है यहाँ पे 5 बजे शाम में, मतलब कमल बियानी तक जाने के लिए, फिर कमल बियानी से आपको 6 बजे तो लास्ट है आपका रिंग रोड जाने के लिए, यानी काठमांडू जाने के लिए। तो एक्चुअली आपको मैं बता दूँ, ये मैं इस जगह में क्यों आया हूँ, नगरकोट ये विलेज है, छोटी सी गांव है, जिसकी पॉपुलेशन 3500 है, 3500 लोगों की पॉपुलेशन है। मैं इस जगह में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को मिलना है गाँव के लोगों से, मिलना है, ठीक है, या क्या नेचुरल ब्यूटी मेरे को देखना है। इस जगह से आपको हिमालय नज़र आएगा, माउंट एवरेस्ट नज़र आएगा, जिस जगह में अभी मैं हूँ। इस जगह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अभी मैं चल रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ अभी नज़र आया नहीं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं अभी कहाँ हूँ, किस रोड में चल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपका फ्रंट से व्यू दिखाऊंगा, मैं आपको जो रोड बनी हुई है आपकी कच्ची रोड है, थोड़ा ये कहाँ जा रहा है मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं, पर मैं जो चल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं इस रोड पर चल रहा हूँ अभी, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा जंगल ही जंगल है। इधर आगे मतलब जगह है घूमने के लिए, नहीं इधर है ना आगे, भाई है मतलब कह रहे हैं, ठीक है, देखता हूँ आगे कितना दूर में क्या है, नहीं है। कुछ इस प्रकार से रोड गई है, जो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। नॉर्मली लोग इधर नहीं आते हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट है ये लोग इधर नहीं आते, पर मैं आ चुका हूँ, इधर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को मिलना था, देखना था कैसा मतलब माहौल है। शहर तो मैंने देख लिया है, ठीक है, अब मेरे को थोड़ा गांव का थोड़ा देखना था, बात करना था मेरे को लोगों से, किस टाइप का क्या है, नहीं है, समझना था मेरे को, इसलिए मैं आ चुका हूँ, जो कि अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा फील हो रहा है। ऐसे मतलब मेरे को लगा कोई आ नहीं रहा है, लेकिन टूरिस्ट मेरे को नज़र आ गया है, टूरिस्ट है यहाँ पे, आपको दिखाऊंगा मैं, ये टूरिस्ट है, मतलब लोग इधर है कुछ देखने का जगह, जाता हूँ फिर, मज़ा तो आना ही है। चैनल पर बने रहना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो और अच्छा लग रहा है लाइक करना, और वीडियो मिलता रहेगा। मैं तो अभी तक पोखरा नहीं गया हूँ, पोखरा जाऊँगा, मैं तो अभी काठमांडू से हूँ, अभी 6 दिन से काठमांडू पे हूँ मैं, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। नीचे गाँव है, गाँव में भी मैं जाऊँगा, गाँव में देखूँगा, इधर धान उन सब मतलब रोपा हुआ है, ठीक है, तो मैं जाऊँगा नीचे, देखूँगा, बात करूँगा लोगों से, जो लोकल से, इन लोगों से बात करूँगा मैं। कुछ ऐसा सीन में दिखाता हूँ आपको, सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया। रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ से। गाइस, मेरे सामने ये लोकल विलेज है, जो कि आधा घंटा लगेगा यहाँ से चलने में, मतलब देखने में, मतलब जाने में। मैं देखता हूँ, जाता हूँ थोड़ा देर तक, देखता हूँ कैसा क्या नज़ारा है यहाँ पे, फिर आपको मैं हिमालय और माउंटेस्ट देखने की कोशिश करूँगा। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा आगे तक, कैसा नज़ारा आगेगा दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस, सामने एक विला है, जो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। इसके ऊपर चलता हूँ मैं, अभी इसके ऊपर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ व्यू थोड़ा सामने का। गाइस, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ इस जगह पे, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से, क्योंकि पूरी की पूरी पहाड़ है, और यहाँ पे पहाड़ के अंदर मतलब छोटा छोटा घर है, लोकल्स के घर है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आपको अच्छे से कैमरे में नज़र नहीं आए, क्योंकि मतलब ओस के चलते आपको नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, रुकिए एक मिनट। नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है ये,
बहुत बहुत अद्भुत व्यू है ये। आई होप कि आपको समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करने की मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का, जो विलेज है यहाँ पे। कैमरा फट रहा है, फिर भी मैं आपको जूम कर रहा हूँ विलेज दिखाने के लिए। कुछ ऐसा है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। आपको मैं इस साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है ये। ऐसा है कुछ, आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। ये रिसोर्ट है, मैंने इस रोड से आया, फिर इसी रोड से मैं जाऊंगा। ज़्यादा लेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को रिटर्न भी जाना है बहुत दूर, और दूसरी बात है कि मैं रिटर्न फिर जा रहा हूँ इधर से मैं नीचे जाऊँगा, जो लोकल के घर हैं घर के पास जाऊँगा मैं। ऊपर फिर आपको व्यू टावर में जाऊँगा, व्यू टावर में माउंटेन और जो माउंट एवरेस्ट है दिखाऊँगा मैं आपको। मैं चाउमीन और ब्रेड खा के आया था मॉर्निंग में, जो कि मैंने चाउमीन खुद से बनाया था होटल में ही, और यहाँ पहुँचते मैंने यहाँ का केक ले लिया, जो नेपाली केक है, जो बहुत अच्छा लगा खाने में। तो मैं अभी चलता हूँ, भूख तो नहीं लगा, जब भूख लगा मैं खा लूँगा। दो लड़का लाइटर लेके खड़ा है, मेरे को पूछता भाई सिगरेट है आपके पास? बोले भाई मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो कह रहे कि पैसे दे दो भाई सिगरेट के लिए। हम बोले भाई दूध के लिए पैसे ले लो, सिगरेट के लिए पैसा मत लो मेरे से। गाइस यहाँ पे चंगुर नारायण की टेम्पल भी है यहाँ पे, अब अगर आओगे यहाँ पे तो दर्शन कर सकते हो, करना रहेगा आपको तो। अब मैं नीचे की ओर जाऊँगा, जो लोकल विलेज है, लोकल विलेज में मैं जाऊँगा। यहाँ पे देखूँगा मैं, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये विलेज है ये पूरा, मैं यहाँ जाता हूँ नीचे। ये है रोड जो कि आधा घंटा लगने वाला है पैदल। देखता हूँ कोई बाइक मिलता है, बाइक में बैठ के जाऊंगा, लिफ्ट अगर मिलता है तो। सामने रोड का नज़ारा ऐसा है, जो पूरा जंगल से घेरा हुआ है। ये रोड गई है राइट साइड से, निकलता हूँ मैं सीधा। भाई यहाँ से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा मुझे, फिर जाके आपको दिखा पाऊंगा मैं। भाई पूरा डाउन डाउन जा रहे हैं, ठीक है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आने टाइम हाथ खराब हो जाएगा भाई इतना ऊपर उठने में। लोकल विलेज मेरे दिखने लग गया यहाँ पे, मैं आपको घर दिखाता हूँ, जो मिट्टी का घर है, जो कि हम लोग की तरफ होता है ऐसा ही मिट्टी का घर यहाँ पे है। आपको दिखाता हूँ मिट्टी का घर है ये भुट्टा टंगा हुआ जैसे ही रहता है हम लोग के इधर, बस ऐसा ही है। और जाता हूँ आगे सामने में, यहाँ पे बच्चा लोग खेल रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चा है। रोड साइड जो पेड़ लगे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा सामने का, जो मतलब हम लोग खेती मतलब जैसे होता था हम लोग को छोटा छोटा, मतलब अपना लहसुन उसन जो भी लगाना होता लगाता था, ऐसा भी यहाँ पे हाल है। दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा सामने से, थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये खेती हो रहा है यहाँ पे छोटा छोटा। ये रोड नीचे तक गई है, इस रोड में मेरे को जाना है नीचे तक अभी। भाई मुझे लिफ्ट मिल गया बाइक में, ये सर ने मेरे को लिफ्ट दी है, थैंक यू। मैं जाता हूँ नीचे तक, देखता हूँ कैसा क्या है। गाइस यहाँ व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं बहुत दूर तक आ चुका हूँ नीचे, तो यहाँ व्यू बहुत नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे सारा घर है आपका पहाड़ के नीचे मतलब। ये भी एक घर है जो भी मिट्टी का है। गाइस व्यू बहुत ही शानदार है व्यू, आप देख सकते हैं जैसे कि घर आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटा छोटा घर है सारा, ये आपका लोकल विलेज है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ का वेदर जो है ठंडी रहती है हमेशा, जो कि अभी ठंडी आने वाली है तो और ज्यादा ठंडा लगने वाला है इधर। बहुत ही शानदार नजारा है भाई ये, तो मेरे को दार्जिलिंग का फील कर रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, थोड़ा सा घर दिखाता हूँ, फिर नीचे जाऊँगा मैं, आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये सब घर है, छोटा छोटा सा घर है, मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ के मेरा दिल खुश हो गया भाई, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी मेरे को देखना था, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है ये। मेरे को इस टाइप का जगह पसंद है, शांत पीसफुल जगह। अब मैं जाता हूँ नीचे की ओर, मैं फिर से चढ़ जाता हूँ बाइक पे। Something about your face.